प्रिय विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन हम आपको लेकर आए हैं, जो आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति या ट्राइगोनोमेट्री से है, जो आपके एग्ज़ाम में या परीक्षा में 12 नंबर की आएगी। पिछली वीडियो में हम आपको मेंसुरेशन 8 नंबर की, अलजबरा 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपकी 5 नंबर की, जो 3 यूनिटें हैं कंप्लीट करा चुके हैं। आप बार बार वीडियो देखते रहें और अपना फ़ायदा उठाएं। आगे आप देखिए, जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका क्वेश्चन त्रिकोणमिति या ट्राइगोनोमेट्री से है। देखिए जरा क्वेश्चन, सबसे मेन क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन के ही आधार पर आप डायग्राम बना सकते हैं और अपना हल या सलूशन निकाल सकते हैं। जरा देखिए, जरा ध्यान से, क्वेश्चन आपका क्या है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। जरा ध्यान दें, त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज का निशान होता है। हम दोबारा कह रहे हैं, पिछली वीडियो में भी बार बार आपको बता चुके हैं, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। भुजा, जो भी आपकी भुजा है, वो क्या है, कह रहे हैं AB बराबर किसके है, BC बराबर A, और मान क्या है उसका, 1 है। कह रहे हैं दोनों भुजाएं बराबर भी हैं और उन दोनों का मान क्या है, 1 सेंटीमीटर है। AC आपका क्या है, √2 सेंटीमीटर। आगे देखिए, तो वो कह रहे हैं अगर 2 सेंटीमीटर हो तो sin A तथा tan C ज्ञात करो, sin A तथा tan C ज्ञात करो। अब जरा आप देखिए आंसर या सलूशन में, जो आपका क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, क्वेश्चन से ही बनता है। जरा देखें, जरा ध्यान दें, आपका जो त्रिभुज दे रखा है, इस त्रिभुज में आपका जो बी वाला पॉइंट है, ये आपका समकोण पर रहेगा, 90 डिग्री पर रहेगा। ये आपका त्रिभुज कैसा है, समकोण का है, जिसमें 90 डिग्री का एक कोण दिखाएंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। आगे आप देखिए, आपके मान इसमें दे रखे हैं, कह रहे हैं AB और BC दे रखा है। आपका क्या है, आपका दोनों बन है या बराबर हैं दोनों, मतलब कह रखा है कि AB BC के बराबर है या दोनों का मान क्या है, बन। तो हमने दोनों जगह बन लगा दिया। आगे आप देखिए, AC का मान क्या है, √2। AC का मान क्या है आपका, √2। ये हम आपके क्वेश्चन से ही करा रहे हैं, क्वेश्चन से ही डायग्राम या चित्र कंप्लीट होता है। उसी के आधार पर आप, जो भी आपसे पूछा जाएगा, आराम से आप अपना क्वेश्चन का आंसर या सलूशन निकाल सकते हैं। आगे आप देखिए, sin A बराबर, ये हम आपको बार बार रिपीट करा रहे हैं, पिछली वीडियो में भी आपको हम करा चुके हैं। ये आपका sin, ये आपका cos, ये आपका tan, ये आपका cosec, ये आपका sec और ये आपका cot। एंगल कुछ भी हो सकता है, ये हम आपको बार बार वीडियो में समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपका एंगल कुछ भी हो सकता है। आगे आप देखिए, जो आपसे पूछा गया, थोड़ा ध्यान दें, ये वाला जो हम आपका ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं, ये आपका रफली काम है, ये हम हर वीडियो में आपको बता चुके हैं, ये आपका रफली काम है, इसको काट दें एग्ज़ाम के टाइम, इसको काट दें, ये आपका रफली काम है, ये वाला इतना ध्यान रखना, ये आपका रफली काम है। आगे देखिए, जो आपका क्वेश्चन है, sin A आपसे पूछा गया है, sin में आपका क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और यहाँ पर लंब क्या है आपका, 1 है, और कर्ण आपका क्या है, √2। तो आपका sin A का मान क्या निकल आया, 1/√2। आगे देखिए आप, tan C, ये आपका कैसे रखा है, tan C, और tan में क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण। जरा ध्यान दें, लंब बटे कर्ण, तो इसमें क्या होता है आपका, लंब बटे ए, लंब क्या है आपका, 1, और आप आधार क्या है, 1, जब 1 से 1 की आप भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जरा ध्यान दें, आपको जो क्वेश्चन में sin A tan C आपसे पूछा गया था या निकलवाना था, वो दोनों के दोनों मान हम आपको बता चुके हैं, tan C का भी मान बता चुके हैं। आप बार बार वीडियो देखते रहें और इसका फ़ायदा उठाते रहें। हम आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में बता रहे हैं, जो पिछली वीडियो में हम बार बार कह चुके हैं, जरा ध्यान दें। ये जो आपका है, ये वाला, ये आपका प्रैक्टिकल, हमने पीछे शो कर दिया है, यह दर्शा दिया है, ये आपका प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में कोई बच्चा फेल नहीं होता है, आप 100% जो भी आपको मार्क्स मिलेंगे फिलहाल पास हो जाएंगे। आगे आप देखिए, ये आपकी थ्योरी है, या कह सकते हैं अंक या क्वेश्चन भी होते हैं इस तरीके के, जो हम क्वेश्चन दर्शा रहे हैं आपको। इस पर आपके जो भी आपके अंक वाले क्वेश्चन होंगे या न्यूमेरिकल होंगे, और बाकी जो आपके
क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल भी कह सकते हैं आप, जिस पर आपके अंक होंगे। तो इसमें आपको जो है जो पास होना आता होना होता है, जिसमें आपको नंबर लाना होते हैं, इसमें आपको 23 पर पास होना है। हम जरा आपको दोबारा बता रहे हैं, जरा बताने जरा ध्यान दें। आपका 100 नंबर का मैथ का टोटल आएगा, ये आपका मैथ रहा, ये तो आपका मैथ का पेपर 100 नंबर का आएगा, जिसमें आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, जिसमें आप आराम से पास हो जाएंगे, इससे आप नो टेंशन रहें। आगे आप देखिए, जो आपका 70 नंबर का बचा है, इसमें आपके न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आएंगे। जो आपके अंक होंगे, जिस पर आपकी पासिंग है, हम यहाँ पर पी से दर्शा रहे हैं, जो आपकी पासिंग है वो कितनी होना चाहिए, 23। कहने का मतलब ये है कि 70 में से आपको 23 अंक लाना है। अगर आप अंक नहीं ला पा रहे हैं तो आप वो अपने परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपको 70 में से 23 लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।